गोरखपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सैनिक स्कूल के कैंपस में लगाए पौधे, शूटिंग रेंज में लगाया निशाना, 176 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का आज औपचारिक लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने जा रहे हैं। वह शनिवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर उनका सीएम योगी ने स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति और सीएम सैनिक स्कूल पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने पौधे लगाए। इसके बाद सीएम योगी ने भी पौधे लगाए। शूटिंग रेंज में पहुंचकर उपराष्ट्रपति और सीएम ने निशाना भी लगाया। बता दें, यह सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित दूसरा सैनिक स्कूल है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसका शिलान्यास उन्होंने 23 जुलाई 2021 को किया था। युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा के ध्येय से इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था है। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। यहां छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस है। स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति व परंपरा का दर्शन कराते हैं। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए खेलों के कई कोर्ट व मैदान भी विकसित किए गए हैं।